मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं और आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं, जो दर्शक मेरे से कहता है कि गुरु जी मैं परेशान हो गया और या कुंडली बनाता हूं या जन्म पत्रिका में देखता हूं यहां पर, उसका मैं वीडियो बनाता हूं। मेरे कमेंट्स में जो भी मेरा दर्शक अपनी जन्म कुंडली की डिटेल लिखेगा, अपना प्रश्न लिखेगा, मैं अवश्य ही उसका वीडियो बना करके आपका तो मार्गदर्शन करूंगा ही करूंगा, लेकिन उस योग से संबंधित और भी दर्शक होंगे, और भी जवान होंगे, वो भी लाभान्वित होंगे, उनको भी फायदा मिलेगा। इसलिए आप जो भी पूछिए, जो भी कीजिए, आप कमेंट्स में लिखिए, अपनी जन्म की डिटेल लिखिए, अपनी परेशानी लिखिए, मैं शीघ्र से शीघ्र आपका वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और जो मेरे नौजवान युवक हैं जो अभी परेशानी में झूल रहे हैं, मैं उनको एकदम मतलब प्योरिटी बेसिस पर देता हूं, क्योंकि उनके बाद उनकी उम्र निकल जाएगी, ये हो जाएगी, मैं उनको कोई वेटिंग में नहीं रखता, वो शीघ्र बनाने की कोशिश करता हूं। और इसीलिए मैं रोजाना एक वीडियो बनाता हूं, तो ताकि मेरी कोशिश ये रहती है मैं अपना काम खत्म कर दूं। आज के वीडियो में हम विचार करेंगे, एक जातक का प्रश्न आया कि गुरु जी मैं तो यानी इस तरह से परेशान हो गया, मैं तो कोल्हू का बैल हो गया। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, कोल्हू का बैल, पहले जमाने में कोल्हू चलते थे जो तेल निकालने के, और उसको बैल बांध दिया जाता था तो गोल चक्करी काटता रहता था उसको, और दुनिया में कुछ नजर नहीं आता था, उसको कोल्हू चलाने से ही मतलब होता था, तो यानी अथक परिश्रम करता था और परिणाम कुछ नहीं निकलता था। जैसे तैसे शादी हो गई, बच्चे भी अभी छोटे हैं, लेकिन खर्चा इतना करते हैं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता और मेरी आमदनी से ज्यादा खर्चा हो जाता है, तो मेरा कोई मार्गदर्शन कीजिए। तो ऐसे और भी मेरे दर्शक होंगे इस तरह के, तो हो सकता है आपको भी ये वीडियो फायदेमंद होगा, तो आप देखिए, अंत तक देखिए, और आपको अच्छा लगे खराब लगे आप कमेंट्स में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका जवाब दूंगा। और आपने जो भी मेरा दर्शक मेरे कमेंट्स में अपनी जन्म डिटेल लिखेगा, मैं उसके लिए बिल्कुल आपका वीडियो बनाऊंगा, ताकि उस अशुभ हो या शुभ योग हो, बाकी भी मेरे दर्शक लाभान्वित हो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। कोल्हू का बैल, जीवन में सुख की आशा नहीं। दर्शकों, जातक का जन्म 23/8/1986 कृष्ण पक्ष देवती चरण दो में हुआ, शनिवार का दिन था। लगन जन्म के समय पर मकर लगन उदय हुआ, लगन के 15 डिग्री विराजमान है और द्वितीय भाव में गुरु कुंभ राशि में 26 डिग्री लेकर विराजमान है, तृतीय भाव में चंद्रमा 22 डिग्री और साथ में राहु भी 29 डिग्री लेकर विराजमान है। सप्तम भाव में बुध कर्क राशि में 23 डिग्री विराजमान है, वहीं पर अष्टम भाव में सिंह राशि में सूर्य है। नवम भाव में केतु 29 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर नीच राशि में शुक्र 22 डिग्री लेकर के 24 मिनट लेकर विराजमान है। एकादश भाव में शनि लगने से 9 डिग्री 35 मिनट लेकर विराजमान है। द्वादश भाव में धनु राशि में मंगल 18 डिग्री लेकर विराजमान, यह ग्रह की स्थिति रही। दर्शकों, मकर लगन इनके स्वामी शनि देव हैं और शनि न्याय के देवता है। इनका व्यक्तित्व रहस्यमय होता है, कार्यक्रम का निश्चित नहीं होता, स्वभाव थोड़ा सा उग्र हो सकता है, वो भी समय देख करके उग्र दिखाते हैं, नहीं तो चुपचाप रहते हैं। दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा नहीं रहता, पति पत्नी में हमेशा वैचारिक मतभेद ही रहता है, कोई ग्रह की शुभ स्थिति हो तो अलग बात है, वाक शक्ति पर इनका कोई कंट्रोल नहीं होता, स्वभाव थोड़ा सा अड़ियल, जो ठान लिया वो करते हैं चाहे कितनी भी हानि हो। लग्नेश और धनेश दोनों ही आमदनी के भाव में है, शनि आमदनी के भाव में है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि किसी भी लगन की कुंडली हो, आपका लगन कोई भी हो, और लगन का स्वामी यहां एकादश भाव में होगा, तो एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, सभी प्रकार के सुखों का भाव है, तो वह जातक धन और पुत्रों से युक्त होगा, उच्च वाहन की प्राप्ति होगी, पराक्रमी होगा, तेजस्वी होगा, विवेकशील होगा, परिश्रमी होगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, शिक्षा संतान
आदि सभी को प्रभाव मिलेगा। लेकिन दर्शकों वो सिर्फ एक लगन का है, लगनेश यहां हो तो मिलेगा, बाकी भी तो और ग्रह हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे तो मिलेगा। लगन लगनेश बलवान है, ठीक है तभी मिलेगा उसको, लेकिन कुछ बाकी ग्रह का भी तो है। तो आगे देखते हैं बाकी ग्रह क्या करते हैं। लगन ने अपना काम कर दिया, लगन का स्वामी एकादश भाव में आ गया, अच्छी स्थिति में आ गया। लगन का स्वामी एकादश भाव में शुभ स्थिति में माना जाता है। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों सूर्य अष्टम भाव का स्वामी अपनी राशि में ही है, आयु तो अच्छी होगी, स्वाभिमानी होगा, तेजस्वी होगा, उसका दैनिक जीवन प्रभावशाली होगा, लेकिन सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। धन के समय में, धन के विषय में परेशानी आएगी और कुटुंब का सुख उसको नहीं मिलेगा, सूर्य का प्रभाव रहा। सूर्य पृथ्वीजनक कारक है, उसको कुटुंब के सुख से और धन के सुख से अलग करेगा। आगे देखते हैं बाकी ग्रह क्या दे रहे। चंद्रमा, चंद्रमा दर्शकों सप्तम भाव का स्वामी है और जीवन साथी का प्रतिनिधि करता है। चंद्रमा तीर्थ भाव में, मीन राशि में चंद्रमा है। साधारण चंद्रमा हो तो ठीक है, भाई बहनों का अच्छा सुख मिल जाएगा, पराक्रम की वृद्धि होगी, व्यवसाय में परिश्रम होगा, क्यों व्यवसाय का स्वामी है और तीर्थ भाव पराक्रम का भाव है, स्त्री का सुख अच्छा होगा और भागी की करेगा। परंतु दर्शकों यहां पर परंतु लग गया, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि राहु साथ में है और चंद्रमा राहु का चांडाल योग बन गया और चंद्रमा प्रतिनिधि करता है स्त्री का। आप छोटे तौर पर यह समझ लो कि चंद्रमा राहु के साथ चांडाल योग बन गया, ग्रह चंद्रमा का ग्रहण योग बन गया, चांडाल योग नहीं, गुरु के साथ चांडाल होता है, चंद्रमा राहु का ग्रहण योग बन गया और सप्तमेश चंद्रमा को पीड़ित कर दिया। तो पीड़ित कर दिया तो सारा ही प्रभाव परिवर्तन में बदल गया, किसी प्रकार का सुख नहीं, झगड़ालू बन गई। अब बात करते हैं मंगल की। दर्शकों मंगल चतुर्थ भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में है। मंगल एकारक माना जाता है। मंगल की चतुर्दृष्टि प्राकृत भाव पर पड़ रही है, साहसी तो होगा, साहसी तो होगा, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन सप्तम दृष्टि यहां पर पड़ रही है, रोग और शत्रु पर प्रभावी भी रहेगा। अष्टम दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है तो ऐसा मंगल पत्नी के सुख में कमी करेगा और दूसरी तरफ आमदनी के भाव का स्वामी है और खर्च में चला गया। जब आमदनी के भाव का स्वामी, ज्योतिष में ऐसा बोलते हैं आयस, आमदनी करने वाला, और वह भाव में चला गया, खर्च के भाव में चलेगा, तो जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, और हमेशा कर्ज में रहेगा, नेत्र रोग होंगे, क्यों, द्वादश भाव बाह्यक का नेत्र रोग होंगे, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, किसी प्रकार का दंड आदमी होगा। ऐसा योग धनहीन योग की सृष्टि करता है, धनहीन योग बन गया, जितना कमाया सारा ही खर्च कर दिया, बाकी बचा हुआ और आगे देखते हैं कहां कहां खर्च हो जाएगा। बुध, बुध छठे भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है। छठा भाव रोग शत्रु का भाव है और सप्तम भाव में है, पत्नी रोगग्रस्त होगी, स्वयं का मानसिक तनाव रहेगा क्योंकि सप्तम दृष्टि लगन पर देख रहा है, मानसिक तनाव से परेशानी रहेगा, दाम्पत्य जीवन में असंतोष रहेगा। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों गुरु कुंडली में तीर्थ भाव का स्वामी और द्वादश भाव का स्वामी अकारक है और गुरु की मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में है, द्वादश भाव भी रोग देने वाला है, खर्च करने वाला है। द्वादश भाव का स्वामी गुरु है, कुटुंब के भाव में बैठा है, कितने भी कंजूसी कर लेगा, हाथ भीच भीच करके भी कंजूसी कर लेगा, फिर भी उसके पास धन नहीं रुकता और कुटुंब का सुख नहीं मिलता, भाई बहनों का सहयोग भी कम मिलता है, रोग और शत्रुओं से घिरा हुआ जाता है। पंचम दृष्टि रोग भाव पर है, शत्रु भाव पर है, रोग और ग्रोह से घिरा हुआ जाता है, परेशान, और वह जातक इतना डरपोक रहता है और लोग उसका फायदा उठा लेते हैं, बहुत ज्यादा डरने वाला जातक रहता है। आयु अच्छी होगी सप्तम दृष्टि से देख रहा है, नवम दृष्टि से दशम भाव को देख रहा है, व्यवसाय में उतार चढ़ाव होंगे। इस मकर लगन की कुंडली में हमारे ज्योतिष विद्वानों का, शास्त्रों का यह बताया गया है कि गुरु जितना भी कमजोर होगा उतना ही फायदा है क्योंकि अकारक है,
जितना भी कमजोर हो उतना ही फायदा है, कारक है, उतना ही अच्छा रहता है। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, इस शुक्र देव ने इस जातक की कुंडली का पूरा समीकरण बिगाड़ दिया। लग्नेश तो अच्छे स्थान पर चला गया, लग्नेश तो अच्छे स्थान पर चला गया और मकर लग्न में शुक्रदेव बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बहुत ही कारक ग्रह है, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है और दसम भाव का स्वामी है, एक त्रिकोण का स्वामी है, एक केंद्र का स्वामी है, और दोनों ही महत्वपूर्ण भाव हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण भाव है। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि का भाव है और दसम भाव सम्मान का भाव है। नवम भाव में नीच राशि में चला गया और केतु के साथ चला गया। यहां पर पूरा कुंडली का समीकरण बिगड़ गया और जातक इंसान से कोलू का बैल बन गया। क्यों बन गया? कर्म भाव का स्वामी नीच राशि में आ गया, पंचम भाव का स्वामी नीच राशि में आ गया, नवम भाव में आ गया। पंचम भाव पुत्रों से संबंध रखता है। अभी तो उसके दो बच्चे छोटे हैं, 10-12 साल के हैं। आपके भी अगर ऐसा है तो अभी से समझ जाओ, क्योंकि ऐसा शुक्र या नवम भाव में होगा तो ऐसा ज्योतिष शास्त्र बताता है अयोग्य संतान होगी, जिसको कुपात्र बोलते हैं, और धन की हानि करने वाले होगी। अभी तो खैर छोटे हैं तो इनका अभी, परंतु दूसरी तरफ देखो शुक्र दाम्पत्य सुख देने वाला है और केतु के साथ में है। ग्रंथ हमारे ज्योतिष के कई ग्रंथ हैं। लाल किताब ऐसा बताती है कि अगर शुक्र के साथ केतु है तो उस घर में इस तरह से झगड़ा होगा कि उस झगड़े से पड़ोसी का घर भी प्रभावित होगा। ये बिल्कुल लाल किताब स्पष्ट बताती है कि दाम्पत्य कलह का योग बनेगा। इसका उपाय भी देखेंगे और उपाय हमने बाकी कई बार करके भी दिया है और वो सुखी जीवन में, तो ये योग ऐसा बनता है। कैसे जातक की संतान को पात्र होगी, अयोग जिसको बोलते हैं, धन को उड़ा देगी और स्त्री सुख में कमी का कारण बनेगा। इधर सप्तमेश को राहु ने पीट दिया और इधर दूसरा सुख देने वाला शुक्र है तो शुक्र को कीर्ति में पीट दिया और शुक्र नीच राशि में हो गया। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो, कोई भी लग्न की कुंडली हो, शुक्र भौतिक सुख देने वाला है, दाम्पत्य सुख देने वाला है, सुख लक्ष्मी का रूप है। अगर वो नीच राशि में हो जाए तो संबंधित जहां पर है उससे हानि तो करेगा ही करेगा, दाम्पत्य सुख की भी हानि करेगा। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लो। और शुक्र पूर्व जन्म के जो अशुभ कर्म है, जो स्त्री जातक के विषय में, उसके हिसाब से शुक्र नीच राशि में आता है। ऐसे जातक को प्रत्येक स्त्री का, चाहे अपनी ही स्त्री क्यों ना हो, उसका सम्मान करना चाहिए। माँ बहन बेटियां और पड़ोसी सम्मान पूर्वक उसका, इज्जत के साथ उसके बात करना चाहिए। तो ऐसा शुक्र यहां पर है। शुक्र कारक होकर के कोलू का बैल बना दिया, ये स्थिति जातक की हो गई। शनि लग्नेश है, मैंने आपको बता दिया, लग्नेश यहां पर देख रहा है पंचम भाव को, संतान मिल गई, संतान मिल गई। बुध भाग्येश है, शुक्र यहां पर नीच राशि में है तो भाग्य का स्वामी यहां पर है, उसका भाग्य भाग स्त्री के द्वारा उसका भाग्य उदय होने का योग है। लेकिन शुक्र का जो नीच भंग हुआ है सिर्फ नव भाव के लिए ही हुआ है, ये पंचम भाव और दसम भाव के लिए तो नीच भंग नहीं है। बुध पंचम भाव और दसम भाव के लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, यहां पर परेशानियों के अलावा और कुछ नहीं। अब बात करते हैं राहु की। राहु तीर्थ भाव में है, भाई बहनों की चिंता, प्राकृतिक गुप्त युक्तियों से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा, हिम्मत का प्रदर्शन करता है। ये बात देखो, हिम्मत का प्रदर्शन करता है। और पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर होता है, पंचम दृष्टि से यहां पर पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर होता है, भाग्य की वृद्धि होता है। क्यों? राहु कन्या राशि के लिए एक बहुत योग कारक ग्रह है, भाग्य की वृद्धि करता है, उन्नति करेगा, अचानक लाभ मिलेगा। क्यों? एकादश भाव को देख रहा है। अब बात करते हैं केतु की। भाग्य की उन्नति में कठिनाई, ये आपको सबको मिला है कि राहु केतु का अपोजिट प्रभाव होता है, साधारण तौर पर भाग्य की उन्नति में कठिनाई होगी।
परिश्रम के बल पर धर्म का पालन करेगा, फिर भी घोर संकट रहेगा, प्राक्रमिक संतान संबंधी परेशानी आएगी और अस्थिर दिमाग होगा। अब जात करे क्या, केतु के प्रभाव से दिमाग अस्थिर हो गया, मानसिक बल कमजोर हो गया। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है, मन कमजोर हो गया, मानसिक बल तो बिल्कुल ही नहीं रहा। लगन के ऊपर केतु का प्रभाव, बुध का प्रभाव, बुध बीमारी दे रहा है, रोग दे रहा है बुध का प्रभाव, तो अपना कारक तो नहीं छोड़ेगा बुध जो है, छठे भाव का स्वामी बीमारी दे रहा है, खर्चा बीमारियों में अधिक हो रहा है और उधर चंद्रमा भी पीड़ित है। दूसरा दशको शनि की दशम दृष्टि सूर्य पर पड़ती है, सूर्य भी पीड़ित है। जब सूर्य पीड़ित है तो आत्मा पीड़ित है, यहां पर सूर्य भी पीड़ित है, यहां पर चंद्रमा भी पीड़ित है और ये कारण शुक्र भी खड्डे में गिर गया नीच राशि होकर के, तो बेचारा कोल्हू का बैल ही रह गया, उसको कहां फुर्सत है। जहां थोड़ा सा रुकेगा तो पीछे से मालिक डंडा मारेगा, चल भाई, वो गोल दायरे में ही घूमता रहेगा, उसको तो सिर्फ काम करने से मतलब है, सुख की कोई आशा नहीं। मैंने आज आपको सभी के विषय में बताया, कोल्हू का बैल जीवन में सुख की आशा नहीं, कहीं पर विशेष सुख दिखाई नहीं दे रहा, रोग और शत्रुओं से घिरा हुआ, व्यवसाय में परेशानी, क्यों, व्यवसाय का सप्तम भाव का स्वामी नीच राशि में चला गया। अयोग संतान धन को उड़ाने वाली संतान अयोग होगी, अभी तो छोटे बच्चे हैं, अभी जिसके हैं थोड़ा संभाल लो, उनकी कुंडलियों का आप अच्छे योग अपने पड़ोसी से विश्लेषण करा लीजिए, आपको फायदा होगा, ताकि आपको पता हो, अभी से उपाय कर लीजिए, हो सकता है कुछ सुन ले प्रभु, अभी से मान भी जाएगा और थोड़ा सा उपाय भी हो जाएंगे, वरना जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो फिर तो वो बच्चे नहीं रहते, कुछ और बन जाते हैं। पत्नी का सुखनी रोगनी और झगड़ालू, पत्नी झगड़ालू रोगनी सुखनी, तो बताइए करे तो करे क्या। इस जातक ने हमसे रिक्वेस्ट किया, गुरु जी मुझे बताइए मैं क्या करूं। आप भी ऐसे कोई और मेरे भाई होंगे, इसका एक बहुत ही अच्छा उपाय मैं आज आपको बता देता हूं, ये मैंने अपने अनुभव में देखा है। देखो दर्शकों, रोग दूर तो नहीं हो सकते योग, लेकिन आपको राहत जरूर मिलेगी, और आप जब पूर्ण प्रभाव कर लोगे तो अच्छी राहत मिलेगी, और वो भी जो आप प्रभाव जो भी काम करोगे वो भी तो एक कर्म है, उसका भी फल आपको मिलेगा। पितृदोष है, पितृदोष निवारण करना चाहिए, सूर्य पीड़ित हो गया, चंद्रमा पीड़ित हो गया, पितृदोष निवारण करना चाहिए। हाँ, पितृदोष हर जगह पर नहीं होता, सिद्ध जगह पर ही होता है, नारायण बलि श्राद्ध सिद्ध जगह पर ही होता है, इनका कोई पूर्व अशुभ योनि में है, तो तब तक के लिए अपने दूसरे उपाय कीजिए, अपने पितरों से निमित्त दूसरे उपाय कीजिए, अच्छे प्रकार उनका मासिक श्राद्ध कीजिए, श्राद्ध कीजिए और पितरों से प्रार्थना कीजिए कि हमको इस काबिल बनाए, हम पितरों निदान कर सके। उसके साथ साथ आप पितरों को जल तो दे सकते हो, रोजाना दक्षिण दिशा में काले तिल डाल करके तीर्थांतली दे दीजिए, उससे भी प्रसन्न होंगे, दोष तो दूर नहीं होगा, उससे दोष के लिए तो नारायण बलि श्राद्ध करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आप एक काम कर लीजिए, और फिर आप 3 महीने में मुझे फोन करके बताइए, श्रद्धा से करिए, 3 महीने में से रोजाना पितरों को जल दीजिए, पहले एक लोटा सूर्य को दीजिए, उसके बाद पितरों को तीर्थांजलि दीजिए, उसके बाद तुलसी माता को एक लोटा जल दिए। उसके साथ साथ आप भाग्यवती लॉकेट, शुक्र का रथ, शनि का रथ और बुध का रथ, 3 नग आप गले में धारण कीजिए। मैं आपको बताता हूं उससे क्या फायदा होगा, लॉजिक समझाता हूं। लाल किताब ये कहती है कि जिस ग्रह की चीज को आपने लगन में पहुंचाना है तो उस जगह उसकी वस्तु को आप लगन में धारण करें, ये बिल्कुल लाल किताब में स्पष्ट लिखा हुआ है। शुक्र लगन में हो जाएगा तो आप ऐसा मानिए शुक्र की स्थिति लगन में हो गई, बुध लगन में हो जाएगा तो ऐसा मानिए स्थिति हो गई, शनि भी लगन में हो जाएगा, तीनों का भगवती रात लगन में हो जाएगा, तो अपने समाज सोचे कि यहां पर बुध भी बैठ गया, शुक्र भी बैठ गया, शनि भी बैठ गया, महापुरुष योग भी बन गया, अच्छा भाग भी बन गया। देखिए, और एक साथ साथ और एक काम कर लीजिए, आप चंद्रमा का रत्न धारण कर सकते हैं, आप चंद्रमा का भी रत्न धारण कर लीजिए, और आप मुझे 3-4 महीने के बाद बताइए, आप बिल्कुल आपको राहत मिलेगी, अवश्य राहत मिलेगी, ये मेरा आत्मविश्वास है, मैंने ऐसा आप ये कईयों को करके देख लिया। दर्शकों, मैंने आज अभी जातक की दशा सूर्य की महादशा चल रही है,
ठीक है, मघा नक्षत्र में तारापति से भी ठीक है, अष्टमे से अपने भाव से हम कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आज एक परेशान जातक कुंडली का आपके सामने विश्लेषण किया। जो बेचारा खर्चे से परेशान है, आमदनी से परेशान है, अपनी पति से परेशान, अपनी पत्नी से परेशान है, खुद भी बीमार है, पत्नी भी बीमार है, छोटे दो बच्चे हैं, वो भी खर्चीले हैं, तो करे क्या। उसका मैंने आपके सामने विश्लेषण किया। अगर आप समझते हैं आप किसी किसी जात मेरे दर्शक के लिए फायदेमंद है, किसी से फायदा हो सकता है, तो मैं अवश्य कहूंगा आप मेरा वीडियो आप लाइक करें, मेरा वीडियो दूसरों के पास भेजें ताकि उनका भी फायदा हो। और दर्शकों, विश्व ज्योतिष जैसा मैं हमेशा बताता हूं, नर्मदा जी के तट के नजदीक है नर्मदहर, यहां पर काल से दोष प्रतिदोष की पूजा की जाती है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है और ऐसी पत्रिकाएं लिखता है आपको जीवन भर का पूरा सार निचोड़ देता है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं थी, जरूरत संपर्क करने की संपर्क कर सकता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपके आसान करने के लिए भेजता है। विश्व ज्योतिष आप कॉमेंट्स में अपनी डिटेल लिखिए, आपको कोई परेशानी है तो आपको इसी तरह से वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन आपका भी होगा, बाकी का भी होगा, अवश्य होगा। फिर कहूंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करें ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा उठे, और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।